हेलो एवरीबॉडी, सभी साथियों को राम राम, नमस्ते, हाय हेलो, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करता हूँ आप सभी ठीक ठाक होंगे, तंदुरुस्त होंगे और आप अपने आने वाले एग्ज़ाम की तैयारी ज़बरदस्त तरीके से कर रहे होंगे। दोस्तों 800 पदों पर नई भर्ती निकली है, कॉन्ट्रैक्ट बेस पर भर्ती है और अनेक प्रकार के इसके अंदर पद हैं, मेल फीमेल दोनों इसके लिए एलिजिबल हैं। यदि आप जाना चाहते हैं इस भर्ती के बारे में तो आप इस वीडियो को लास्ट तक देखते रहिए। और दोस्तों यदि आपने अभी तक नॉलेज टी विदेशी था वो यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप सब्सक्राइब कर लीजिए। यहाँ पर हर रोज़ आपके लिए छोटी से छोटी अपडेट, बड़ी से बड़ी अपडेट सही समय पर लेके आई जाती है। वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर दीजिए, आपका एक लाइक मुझे नेक्स्ट इन्फॉर्मेशन आप तक पहुँचाने के लिए प्रेरित करता है। और दोस्तों जैसा कि आपको पता है कि GS के क्वेश्चन हर एग्ज़ाम में आते हैं, चाहे आप किसी भी भर्ती के एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो, तो आप सभी के लिए इम्पोर्टेंट 10,000 GS के क्वेश्चन मॉक टेस्ट के रूप में अपने ऐप पर आ चुके हैं। 100 मॉक टेस्ट मिलेंगे, 10,000 क्वेश्चन दोस्तों सभी परीक्षाओं के लिए उपयोगी है। मात्र 99 रुपये में आप KTDT ऑनलाइन एजुकेशन ऐप पर ले सकते हैं। तो दोस्तों अब देख लेते हैं भर्ती के बारे में। तो अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान में ये भर्ती निकली है, ऋषिकेश में, ठीक है, एम्स में ये भर्ती निकली है दोस्तों। और स्पेशल कोरोना की सिचुएशन तक, यानी कि लगभग 90 दिनों के लिए भर्ती की जाएगी। कॉन्ट्रैक्ट बेस पे भर्ती होगी, अनेक प्रकार के पद हैं, लगभग 800 वैकेंसी इसके अंदर। सहायक प्रोफेसर की वैकेंसी है, स्नातकोत्तर MBBS के बाद कर रखी हो, जूनियर रेजिडेंट MBBS कर रखी हो अपने, नर्सिंग अधिकारी स्टाफ नर्स ग्रेड सेकंड BSc नर्सिंग कर रखी हो, या फिर आपने GNM का डिप्लोमा कर रखा हो, टेक्निकल सहायक मेडिकल लैब टेक्नोलॉजी में BSc कर रखी हो, फार्मासिस्ट फार्मेसी में डिप्लोमा कर रखा हो, डाटा एंट्री ऑपरेटर कंप्यूटर ज्ञान के साथ 12वीं कर रखी हो, हॉस्पिटल अटेंडेंट मैट्रिकुलेशन बेस पे फार्म भर सकता है, हाउसकीपिंग स्टाफ 8वीं पास कैंडिडेट फार्म अप्लाई कर सकता है। तो दोस्तों ये आप आगे देख सकते हैं जो पदों की संख्या है वो पोस्ट के सामने बता रखी है, लगभग 800 पदों पे ये भर्ती है दोस्तों। सरकारी नियमों के अनुसार आपको आरक्षण भी दिया जाएगा, उत्तराखंड सरकार के फंड से भुगतान किए जाने वाले मानदंडों के अनुसार वेतन आपको दिया जाएगा और इसमें डायरेक्ट आपका इंटरव्यू होगा। और नियुक्ति की जो संभावित अवधि है लगभग 100 दिन की यहाँ पे रहने वाली है, लेकिन दोस्तों यदि ज़रूरत पड़ी तो आपके कार्यकाल को बढ़ाया भी जा सकता है। एम्स ऋषिकेश में पद क्रम संख्या 1 व 2 के लिए वाकन इंटरव्यू की तारीख 10 मई 2021 से 31 मई 2021 के बीच दोस्तों आपकी रहेगी, ठीक है। तो अन्य नियम और शर्तें भारत सरकार और उत्तराखंड सरकार के प्रावधान के अनुसार ही रहेंगी। तो दोस्तों उत्तराखंड में ये एम्स हॉस्पिटल है, वहाँ के लिए भर्ती निकली है। आप चाहें तो आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। इसका जो ये नोटिफिकेशन है, ये इमेज है, ये मैं जो टेलीग्राम ग्रुप है अपना नॉलेज टी विदेशी ताऊ, वहाँ पे मैं शेयर कर दूंगा, तो वहाँ पे आप देख सकते हैं। तो ये 800 पदों की भर्ती थी दोस्तों, यदि आप इंटरेस्टेड हैं, योग्यता रखते हैं तो आप अप्लाई कर सकते हैं। आज की वीडियो में इतना ही, धन्यवाद, भगवान करे आप सभी का समय शुभ रहे।